नमस्कार दोस्तों, काके दी रसोई में आपका स्वागत है। और आज हम बनाने वाले हैं आलू की सब्ज़ी। इसे बनाना बहुत ही आसान है, ये बहुत ही सिंपल है और बहुत ही जल्दी तैयार हो जाती है। और इसे हम बनाएंगे बिना प्याज और लहसुन के। तो चलिए इसे बनाते हैं। तो हमने एक कढ़ाई ली है और हम इस सब्जी को देसी घी में बना रहे हैं। आप चाहें तो सरसों के तेल या रिफाइंड में भी बना सकते हैं। तो जब तक हमारा घी गर्म हो रहा है, हमने लिए हैं 2 देसी टमाटर और 2 हाइब्रिड टमाटर, जो लंबे वाले बॉम्बे टमाटर होते हैं, और 1 इंची अदरक। हमने चारों टमाटर सेम इसलिए नहीं लिए हैं, अगर हम देसी टमाटर डाल देंगे 4 तो वो खट्टी हो जाएगी, और अगर हाइब्रिड डालेंगे तो उसमें खटास नहीं आएगी। तो हमने इसे मोटा मोटा काट लिया है और थोड़ा सा पानी डालकर मिक्सी में इसका बिल्कुल फाइन हम इसको पीस लेंगे। तो ये हमने इसको पीसने के लिए रख दिया है मिक्सी में। अब इसे मिक्सी में बिल्कुल बारीक पीसना है। तो ये हमारा पेस्ट बिल्कुल तैयार हो चुका है। जैसे घी गर्म हो जाएगा, हम डालेंगे 1 चम्मच सरसों के दाने, और जैसे ही हमारा सरसों तड़केगा, हम इसमें डालेंगे 2 साबुत लाल मिर्च, जिन्हें हमने 4 टुकड़ों में तोड़ लिया है। और लाल मिर्च के साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे टमाटर का प्यूरे जो हमने बनाया हुआ है मिक्सी में पीस कर। और गैस हमारी हाई फ्लेम पे है इस वक्त। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच हींग। हींग हमने पहले इसलिए डाली है ताकि ये जले ना, क्योंकि अगर ये तेल में जल जाती है तो इसका जो स्वाद है वो ख़त्म हो जाता है। साथ ही हम इसके अंदर डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। नमक की वजह से जो हमारे टमाटर हैं वो बहुत जल्दी गल जाएंगे और हमारी सब्ज़ी भी जल्दी से बन जाएगी। तो इसे हमने अच्छे से डाल के मिक्स कर देना है। तो ये देखिए, सब्ज़ी के अंदर अब उबाल आ चुका है। अब हम गैस को बिल्कुल लो कर देंगे और उसके बाद इसमें डालें मसाले। तो यहाँ हमने गैस को लो कर दिया है, हम मसाले लेंगे। तो मसालों में हमने डाला है 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च से बहुत बढ़िया कलर इसका आ जाएगा। उसके साथ हमने कूटी हुई लाल मिर्च तीखे के लिए, तो आपको जितना तीखा पसंद हो उस हिसाब से आप डालें। 1/2 चम्मच हल्दी ली है, और लास्ट में हम लेंगे इसमें 1.5 चम्मच धनिया। और उसके बाद हम इसे अच्छे तरीके से मसालों को करेंगे हम। तो इस तरीके से इसे हम 2 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे। तो दोस्तों, जब तक हमारे जो मसाले हैं वो पक रहे हैं, तब तक हम आलू ले लेंगे। तो यहाँ पे हमने 3 आलू लिए हैं उबले हुए, और अब इनका हम छिलका उतार लेंगे। छिलका उतारने के बाद आप चाहें तो इसे हाथों से भी मैश कर सकते हैं। बिल्कुल बारीक नहीं करना है हमने इसे, इसे मोटा मोटा मैश करेंगे। तो हमने यहाँ पे एक फोक की मदद से इसे मोटा मोटा मैश कर लेंगे। और जो हमारी सब्ज़ी है इसके बाद बहुत ही कम समय में तैयार हो जाएगी। तो जो हमारी जो ग्रेवी हमने बनाई है उसके अंदर अब हम डालेंगे कसूरी मेथी। तो यहाँ पे हमने लगभग 2 चम्मच कसूरी मेथी ली है, और इसे क्रश करके भी डाल सकते हैं, आप चाहे तो इसी तरीके से भी डाल सकते हैं। तो ये हमने इसके अंदर डाल दिए। साथ ही इसमें डाल देंगे आलू जो हमने मैश करे हुए थे, और अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो आप यहाँ पे अब देखेंगे कि जैसे हम इसमें आलू डालेंगे तो जो हमारी ग्रेवी बन के तैयार हो रही है वो और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सब्ज़ी अब गाढ़ी होने लगी है। तो यहाँ पे गैस को तेज़ करेंगे और उसके बाद इसमें पानी ऐड करेंगे। तो हमने गैस को तेज़ कर दिया है, और इसमें डालेंगे हम 200 ml पानी, और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। इस तरीके से अच्छे से चलाते हुए इसे मिक्स कर दें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, गैस हमारी हाई फ्लेम पे थी, तो इसमें उबाल आ चुका है। और जैसे हमारी सब्ज़ियों में उबाल आ जाता है तो हम इसको गैस को बिल्कुल लो करेंगे और 10 मिनट तक इसे इसी तरीके से पकाएंगे। तो ये देखिए, 10 मिनट बाद हमारी सब्ज़ी जो है वो रेडी है। तो यहाँ पे हम डालेंगे इसमें 1/2 चम्मच गरम मसाला, और उसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हम गैस को करेंगे बंद, और थोड़ी देर सब्ज़ी को रेस्ट करने के लिए रख देंगे, और उसके बाद हम इसे परोसेंगे। तो दोस्तों, ये थी रेसिपी आलू की सब्ज़ी की। आप भी इसे बनाइए, इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत जल्दी बन सकती है।
और इसे परौठों के साथ या पूड़ी के साथ आप सर्व कर सकते हैं। तो दोस्तों इसे बनाइए और अपना सुझाव हमारे साथ शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।